सोचो कि तुम एक नॉर्मल वेबसाइट विजिट कर रहे हो और फिर अचानक से एक पॉपअप आता है, सेशन एक्सपायर्ड, प्लीज लॉग इन अगेन। तो ऐसे में बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे अपनी लॉग इन डिटेल्स डाल देंगे। तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो पॉपअप रियल नहीं था, उसे हैकर्स ने स्पेशली क्राफ्ट किया था। तो अब हैकर्स आपका ब्राउजर भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो तुम्हारे सारे सेव्ड पासवर्ड्स भी देख सकते हैं और तुम्हें किसी भी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट भी करवा सकते हैं, और अगर चाहे तो तुम्हारे ब्राउजर के थ्रू तुम्हारा माइक और कैमरे का एक्सेस भी ले सकते हैं। तो इतना सब पॉसिबल है एक टूल से जिसका नाम है बीफ, ब्राउजर एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क के थ्रू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी टूल के बारे में डेमोंस्ट्रेट करने वाला हूं कि इस टूल को इंस्टॉल कैसे करना है और इसका यूज कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि तुम्हें भी अगर एथिकल हैकिंग शुरू से सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां जाकर के आप मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं आपको फ्री में हैकिंग ट्यूटोरियल्स, टिप्स और ट्रिक्स डायरेक्ट इनबॉक्स करता रहूंगा। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें ताकि इंस्टॉलेशन में कोई भी एरर ना आए। सो हेलो गाइस, दिस इज हसन एंड आई टीच पीपल अबाउट एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक डिस्क्लेमर, डू नॉट हैक इनटू समवनस लाइफ और सिस्टम एंड डू नॉट हैक इनटू एनीथिंग विदाउट परमिशन, अदरवाइज यू विल गो बिहाइंड द बार्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने लिनक्स सिस्टम में बीफ को इंस्टॉल करना होगा, उसके लिए मुझे अपने लैपटॉप पर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना काली लिनक्स को ओपन कर लेना, इट्स वेरी हार्ड टू से काली लिनक्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना काली लिनक्स ओपन कर लेना है। ऐसे ओपन करने के बाद यहाँ पर अपना फायरफॉक्स ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च करना है बीफ। जैसे ही आप इंटर करोगे यहाँ पर आपको जो पहली वेबसाइट नजर आ रही है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर दिखेगा, फिर यहाँ से आपको इसे क्लोन करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इस वेबसाइट को कॉपी कर लेना है, फिर अपना कमांड लाइन ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है गिट क्लोन स्पेस द लिंक यू कॉपीड। और फिर जैसे ही आप इंटर करोगे ये इस टूल को आपके लोकल सिस्टम में क्लोन कर देगा। डेस्टिनेशन पाथ बीफ ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इज नॉट एन एम्प्टी डायरेक्टरी। मैंने ऑलरेडी इस टूल को क्लोन करके रखा हुआ है तो इस वजह से ये एरर दिखा रहा है। और अगर आपको नहीं पता है कि काली लिनक्स को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आर्टिकल लिख रखा है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लिनक्स को अपने पेन ड्राइव में कैसे बूट करना है इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा, उसका भी लिंक आपको यहाँ आई कार्ड में मिल जाएगा। क्लोन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है सीडी स्पेस बीफ, फिर इंटर कर देना है। देन यहाँ टर्मिनल पर टाइप करना है ls, ls means listing of files। मैं आपको डायरेक्टली कमांड बताते जा रहा हूँ, अगर आपको लिनक्स कमांड्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो उस पर भी मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप लिस्ट करोगे फाइल्स को यहाँ पर काफी सारी फाइल्स देखने को मिलेंगी, फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है sudo स्पेस /install। आपको हर प्रॉम्प्ट में यहाँ पर इंटर क्लिक करते जाना है और फिर ये बीफ टूल की सारी प्रीरिक्विजिट्स को इंस्टॉल करने लग जाएगा और ये काफी ज्यादा टाइम लेने वाला है, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इंस्टॉल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, रन /beef टू लॉन्च बीफ। चलिए रन करके देखते हैं /beef। जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, चेंज द बीफ क्रेडेंशियल्स इन config.yml। config.yml बीफ की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पर हम लोगों को फिर से ls टाइप करना है और यहाँ पर आपको config.yml फाइल विजिबल होगी। फिर कमांड लाइन में टाइप करना है nano स्पेस config.yml। nano एक टेक्स्ट एडिटर है जिसे हम लोग कमांड लाइन में यूज कर सकते हैं। आप लोग nano या vim किसी का भी यूज कर सकते हो, आई वुड पर्सनली प्रेफर nano फॉर द सिंपल टास्क। उसके बाद आपको इंटर करना है और फिर यहाँ जैसे ही आप थोड़ा नीचे आओगे यहाँ आपको यूजर और पासवर्ड दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर देना, मैं यहाँ पर अपना ही नाम फीड कर दे रहा हूँ हसन एंड पासवर्ड में भी मैं हसन ही डाल देता हूँ। फिर यहाँ कंट्रोल ओ करना है और इंटर करना है एंड देन कंट्रोल एक्स। कंट्रोल ओ इज फॉर सेविंग और कंट्रोल एक्स करना है फाइल को क्लोज करने के लिए। अब हम लोगों ने सारे कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब इसे यूज कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कमांड लाइन पे आना है और टाइप करना है /beef। जैसे ही आप इंटर पर क्लिक करोगे यहाँ पर बीफ टूल लोड होने लग जाएगा। इट इज सेइंग बीफ इज लोडिंग, वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। हम लोग इंस्टॉलेशन के बाद पहली बार इस टूल को ओपन करने जा रहे हैं तो इस वजह से ये थोड़ा टाइम लेगा। ओपन होने के बाद ये यहाँ पर आपको मल्टीपल URL दे देगा, यहाँ से आपको UI URL को कॉपी करना है और अपने ब्राउजर पर पेस्ट कर देना। फिर जैसे आप इंटर करोगे फिर आपको यहाँ पर अपना वही यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो आपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इंटर किया था। और शुरू करने के लिए आपको अपने विक्टिम से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करवाना होगा। यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड पेज पर मिलेगा, टू बिगिन विद यू कैन पॉइंट अ ब्राउजर टुवर्ड्स द बेसिक डेमो पेज हियर और द एडवांस वर्जन हियर। तो यहाँ पर आपको एडवांस वर्जन वाले की लिंक को कॉपी करना है और इसे अपने विक्टिम को सेंड कर देना है जो कि सेम नेटवर्क पर हो। और अगर आपको इस लिंक का पब्लिकली एक्सेस वर्जन चाहिए तो आप AWS पर भी इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल अपने ही ब्राउजर में न्यू टैब में इसे पेस्ट कर रहा हूँ। ये एक नॉर्मल सी वेबसाइट है, डमी पेज है, वेलकम टू द बचर योर सोर्स ऑफ डिलीशियस, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट हेयर। जो काम की बात चल रही है वो चल रही है हमारे कंट्रोल पैनल पर। और फिर यहाँ पर आपको अपने ब्राउजर में एक लॉग मिलेगा, उस पर क्लिक करना है एंड देयर यू गो,
आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी अपने विक्टिम के ब्राउजर के बारे में, लेकिन एक्चुअल में कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं। उसके लिए मैं कमांड्स पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद हुक डोमेन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्रिएट अलर्ट डायलॉग दिखेगा। तो फिर मैं यहाँ क्रिएट अलर्ट डायलॉग पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अलर्ट टेक्स्ट में सिंपली टाइप कर दूंगा यू हैव बीन हैक्ड। तो जैसे ही मैंने अपना टैब स्विच किया, यू हैव बीन हैक्ड करके एक अलर्ट आ गया। पर ओके कर देते हैं और वापस से अपने कंट्रोल पैनल पर आते हैं। यहाँ पर ब्राउज़र के अलावा आपको काफ़ी सारे ऑप्शन और देखने को मिल रहे हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग, फोन गैप, परसिस्टेंस, नेटवर्क, मेटास्प्लॉइट एंड अ लॉट मोर। तो मैं सोशल इंजीनियरिंग पर क्लिक करके यहाँ गूगल फिशिंग पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ गूगल फिशिंग पर क्लिक करके जैसे एग्जीक्यूट पर क्लिक करूँगा और टैब स्विच करके देखते हैं, तो देयर यू गो, गूगल मेल, अ गूगल अप्रोच टू ईमेल, लॉट्स ऑफ स्पेस। यहाँ पर पूरा गूगल का फिशिंग पेज मेरे सामने आ गया। और अगर ये विक्टिम के सामने जाएगा देन दे आर गोइंग टू फॉल फॉर दिस। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके साइन इन जैसे ही करेगा कोई भी, तो यहाँ पर मेरे पास डिटेल्स आ जाएंगी, डेटा, रिजल्ट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। मैंने यूज़र नेम में कुछ इंटर ही नहीं किया था, पासवर्ड में मैंने सिर्फ एच इंटर किया था, तो इस वजह से यहाँ पर ये डेटा शो हो रहा है। यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हैं जो आप सिर्फ एक क्लिक पर कर सकते हो, तो इट इज़ रियली डेंजरस। और मैं फिर से एक बार वार्निंग देना चाहता हूँ कि एंड डू नॉट हैक इनटू समथिंग, हैकिंग इज इललीगल, हैकिंग इज ओनली लीगल इफ़ यू हैव परमिशन। तो ऐसे काफ़ी सारे अटैक्स मैं यहाँ पर से परफॉर्म कर सकता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही वीडियोस आपको अपनी फीड में चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मिस न कर पाएं। और अगर आपको हैकिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, टिप्स और ट्रिक्स अपने ईमेल पर चाहिए, तो नीचे एक फ्री न्यूज़लेटर का लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर के मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें और मैं वीकली असाइनमेंट, ट्यूटोरियल्स और टूल्स सेंड करता रहता हूं। बाय बाय, सी यू सून, दिस इज हसन साइनिंग ऑफ एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है।